हेलो यंग माइंड्स, क्या आपको मालूम है कि इस वर्ड को आइकनोक्लास्ट या आइकनोक्लाज्म को कितनी बार आपके एसएससी एग्जाम्स में और डिफेंस के एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है? शायद आप इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब जितने भी एग्जाम्स एसएससी के एक साल में होते हैं ना, करीब करीब हर फॉर्मेट में और हर एग्जाम में अगर 15-20 पेपर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार आपको इसको पूछता जरूर है। और ये पूछता है OWS के रूप में, अधिकतर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो आए आज जानते हैं इस वर्ड को और आज के बाद आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये आया हुआ है आइकॉन और क्लैन से, जैसा कि आप देख रहे हो ये आया हुआ है आइकॉन और क्लैन। तो आइकॉन का मतलब हो जाता है लाइकनेस और लाइकनेस का मतलब आप समझ जाओ ये हो गया इमेज, हो गया जिसको हम लोग कह सकते हैं मूर्ति कह सकते हैं। और ब्रेथ आपका हो गया तोड़ना। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक शब्दों से बना हुआ है आइकॉन और क्लैन। आइकॉन मींस इमेज और लाइकनेस और ब्रेक मतलब तोड़ना, मतलब वह व्यक्ति जो मूर्ति को तोड़ता है, इमेज को, आइडॉल को तोड़ता है या मूर्ति पूजा का या किसी परंपरा का विरोध करता है उसी को कहा जाता है आइकनोक्लास्ट और उसकी गतिविधि को कहा जाएगा आइकनोक्लाज्म। अक्सर इसको हम हिंदी में लिखते हैं इसको हम मूर्ति भांजक लिखा जाता है। तो आज के बाद इस वर्ड को भूलना नहीं है। यह आया हुआ है दो वर्ड से, आइकॉन और क्लैन। आइकॉन का मतलब इमेज या लाइकनेस और क्लैन का मतलब ब्रेक, यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ता है वही होता है आइकनोक्लास्ट और उसका जो एक्शन होगा इसको आइकनोक्लाज्म कहेंगे। थैंक यू।